नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों को लेकर। हम सभी लोगों ने सुना है और देखा भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे जीवन से जुड़ी बातों में होने वाले बदलाव के बारे में बात करेंगे। बता दूं कि इन बदलावों में आपकी जेब पर इसका असर दिखने वाला है। ये बदलाव बैंक ग्राहक, टैक्स देने वाले और सीनियर सिटीजन तक पर इसका असर होने वाला है। बैंक से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पीएफ खातों में होने वाले बदलाव को लेकर। बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल 2021 को एक बार फिर से लागू करने का फैसला लिया है। इसका मतलब हुआ कि ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा को 5 लाख रुपये सालाना किया गया है। डाकघर के नियम में होगा बदलाव। डाकघर मासिक आय योजना के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या फिर डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। बता दें कि इन नियमों में ब्याज की रकम 1 अप्रैल से नगद नहीं मिलेगी। इसके लिए अब आपको सेविंग अकाउंट खोलना होगा। इधर डाक विभाग ने बताया है कि कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या फिर बैंक खाते को अपने MIS, SCSS, TD से लिंक नहीं किया है। इन स्थितियों में ब्याज का पेमेंट रुक जा रहा है, इसलिए लिंक करने की बात कही गई है। एक्सिस बैंक के नियम में होगा बदलाव। 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव को लेकर यह भी कहा गया है कि एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का सैलरी और सेविंग अकाउंट है उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ बैंक में यह भी कहा है कि बैंक में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मेट्रो और अर्बन सिटी में यह सेविंग खाते लिमिट रखा गया है। साथ ही साथ फ्री ट्रांजेक्शन में भी बातें कही गई, जिसमें कहा गया कि 4 लिमिट फ्री ट्रांजेक्शन या फिर 1.5 लाख रुपये आप निकाल सकते हैं। सिंगापुर से भारत आने के नियमों में हुआ बदलाव। 1 अप्रैल से सिंगापुर से भारत आने वाले लोगों के लिए कोरोना नियमों में छूट दी गई है। यह बताया गया है कि कोरोना का जो पूरा टीका ले चुके हैं उनके आगमन पर टेस्टिंग नहीं होगी। सिंगापुर के जरिए ट्रांजिट भी अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। GST के नियम होंगे और भी सरल। CBEC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि GST के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ये थे वो नियम जो कि 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं, जिससे कि हमारे और आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।